अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG101 के रिमेनिंग लेक्चर कवर करेंगे और आज हमारा जो है वो मिड टर्म का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो है ये बाकी लेक्चर जो है इनमें वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसा कि वर्ड फॉर्मेशन हो गया, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस हो गया, तो वही चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसमें जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें होंगी वो मैं आपको यहाँ पे करवाती जाऊँगी और मेन चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँगी। तो लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 18 हमारे पास किस टॉपिक पे है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब इस लेक्चर में क्या होगा, इसमें आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी जाएंगी और जैसे पहले आपको पैसेज दिया जाता था आप रीड करते थे और उसके लिहाज से फिर जो है एक्सरसाइजेज वगैरह को सॉल्व करते थे, तो इसी तरह यहाँ पर भी सॉल्व करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्किमिंग एंड स्कैनिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। स्किमिंग क्या होता है कि ये दोनों जो हैं बेसिकली एक रीडिंग जो है क्विकली टेक्निक्स हैं कि आप क्विकली जो है पैसेज वगैरह को रीड करते हो, और स्किमिंग में क्या होता है कि आप रीड तो करते हो क्विकली लेकिन उसमें जो है कोई उसकी समरी या मेन आइडिया जो कुछ उसमें मेन चीज़ बताई जा रही होती है उसका मेन आइडिया आप कह सकते हैं उस पर फोकस करते हो। स्किमिंग में किस चीज़ पर फोकस करते हो कि इसमें मतलब आइडिया मेन आइडिया क्या बन रहा है, इसमें जो है हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, ऑथर में क्या कहना चाह रहा है, मतलब इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। और स्कैनिंग में क्या होता है कि स्कैनिंग में आप पैसेज रीड करते हो उसी तरह रीड करते हो लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें जो है आप इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हो। जैसा कि वहाँ पर अगर आपको पैसेज में डेट्स दी जाए और कोई मेन मेन चीज़ें दी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नेम आ जाए, हिस्ट्री में किसी का नेम आ जाए, कोई डेट आ जाए, तो आप उस पर फोकस करोगे। मतलब जो मेन मेन चीज़ें या मेन इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है आप उस पर फोकस करते हो। तो स्किमिंग क्या हुआ कि जिसमें आप मेन आइडिया या पैसेज की जो समरी बन रही होती है उस पर फोकस करते हैं, और स्कैनिंग में क्या कि आप इन्फॉर्मेशन या मेन चीज़ें जो वहाँ पर हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है आप उस पर फोकस करते हो। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कि पैसेज दिए हैं, एक उसमें क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी जो है मेमोरी के अबाउट उन्होंने बताया हुआ है, तो आपने यहाँ पे इनको जो है इस पैसेज को रीड कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे है मेन आइडिया बताया हुआ है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट जो है इसको एक्सप्लेन कर रही है, जो ऊपर में पैसे दिए गए हैं उसके लिहाज से कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है और ज़्यादा जो है एक्सप्रेस कर रही है मेन आइडिया को। तो आपको मेन आइडिया तो मैं पहले कई दफ़ा करवा भी चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, तो इसमें मेन आइडिया वही होता है जिसमें ऑथर हमें कोई मेन चीज़ हमें बताना चाह रहा होता है, मेन मैसेज कोई कन्वे करता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हैं जिसमें क्या देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो है उसने मेन चीज़ किस पर बात की है, प्राइमरी और सेकेंडरी के ही टॉपिक पर बात की है। अब इसमें मेन बार बार चीज़ ये रिपीट नहीं हो रही कि जो है प्राइमरी मेमोरी जो है वो ज़्यादा है इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी से, इस तरह उनकी डिवाइस जो है इंपॉर्टेंट है ये चीज़ नहीं बात की गई। तो मेन प्राइमरी और सेकेंडरी पर डिस्कस किया गया था, दोनों मेमोरीज पर डिस्कस किया गया था, तो इसलिए इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, मेन आइडिया हो सकता है। उसके बाद नीचे उन्होंने आंसर भी दिया हुआ है कि मेन आइडिया था पैसेज में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों हो सकती है और कैसे हो सकती है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर जो है रीड कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। और इसमें उन्होंने हमें क्या क्या कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसमें वो कह रहे हैं आइडियाज़ दिए हुए हैं और उन्हें कह रहे हैं कि कौन सा जो है स्टेट है और कौन सा स्टेटेड नहीं है, तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे रीड करना है और बताना है कि कौन सा जो है वो स्टेटेड हो सकता है और कौन सा स्टेटेड नहीं हो सकता। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही पैसेज जो ऊपर दिए गए हैं वो अगेन रीड करना पड़ेंगे। तो आपने वो सारे जो है पैराग्राफ उनको रीड कर लेना है, अच्छे से दो तीन बार रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इनको सॉल्व कीजिएगा। और उसके बाद देख सकते हैं आप लोग अगेन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो ये हम पहले तीन चार लेक्चर्स में पीछे भी कर चुके हैं। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमें जो है देखना होता है कि ये जो है वर्ड या ये जो सेंटेंस है ये उस जो है पैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपको पहले ही ऑलरेडी आता होगा क्योंकि मैं पहले कई बार इसको करवा चुकी हूँ। तो आपने इसको देख लेना है कि पहला पैराग्राफ जो है ये कहाँ से लिया गया है, दूसरा पैराग्राफ जो है ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपने ये फाइंड करना है कि जो ये सेंटेंसेस हैं ये कौन से पैराग्राफ से लिए गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्चुअल रेफरेंस हो गया। रेफरेंस में क्या है कि अब ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, जो आपको ये इट देयर फार्मर ये वर्ड जो हाईलाइट करके दिए गए हैं, बोल्ड किए गए हैं, इनको आपने देखना है कि ये कौन से पैराग्राफ से लिए गए हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर है इट इज़ आल्सो कॉल्ड, अब यहाँ पे आपने ऊपर पैसेज अगर रीड किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे बात की गई थी और किस चीज़ की बात की गई थी जहाँ पे ये आ रहा था इट इज़ आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखें इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेमोरी, तो अगर आपने ऊपर पैसेज पढ़ा हो ध्यान से, अगर आपने गौर से पढ़ा हो और अगर आप उसको ढूंढ रहे हो कि ऊपर कहाँ पर ये बात की गई है इट इज़ आल्सो कॉल्ड की, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि लिखा होगा इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेमोरी।
तो इसी तरह आपने बाकी जो है इनको देख लेना। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट के अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स आ गया। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स में क्या है कि आपने सिनोनिम फाइंड करने हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट उन्होंने रिप्रेजेंटेड दिया गया, उसके उसका क्या बन रहा है यहाँ पे सिनोनिम एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए, आपने इसके इनको क्या करना है उस पैसेज में जाके देखना है कि कहाँ पे जो है इस वर्ड का जो है आपको जो है वो सिनोनिम मिल रहा है। यहाँ पर उन्होंने पैराग्राफ भी आंसर में मैंशन कर दें कि पैराग्राफ वन में, पैराग्राफ टू में, तो आपने जो है इनको भी देख लेना है। वैसे ये ऐसे MCQs में तो कभी नहीं आया है कि ऐसे आपको पैराग्राफ इतना लंबा वो दे दे और आपको कहें कि इसमें से ये चीज़ फाइंड करें। वो आपको मेन मेन आपको दे सकता है, एक सेंटेंस छोटा सा दे सकता है और कुछ ऐसा बोल सकता है कि आप इसमें से जो है ये सिनोनिम इसका देख बताएं कि इसमें सिनोनिम क्या हो रहा है, इसमें लोकेटिंग वर्ड क्या बन रहा है। मतलब आपको एक छोटा सा सेंटेंस दे के आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपका जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि लोकेटिंग फॉर्मेशन क्या होती है, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इसमें जो सिनोनिम्स आ रहे हैं ये क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बस आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके, अगर MCQs में कोई भी वो आपसे पूछता है तो आपको पता चल जाए कि इसमें ये पूछा जा रहा है, तो आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर सको। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में उन्होंने हमें क्या एंटोनिम फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जैसे लेटर आ गए, फार्मर्स हो गया, डिसेलो परमिट हो गया, इसके बाद आपने ये वर्ड्स भी देख लेने हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अगेन वो वर्ड फॉर्म्स आ गया जो हमने पहले भी 2-3 लेक्चर में किए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपने सेंटेंस को रीड करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है अप्रोप्रिएट वर्ड है जो यहाँ पे सूट कर रहा है। आप अगर इसमें जो है लिखते हो तो उसमें अपना पुट करते हो तो जो सही से जो सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सके। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने हमें 4 वर्ड्स दे दिए हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस और एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं कि इनमें हमने जो है वन बाय वन देख लेना है कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है इस सेंटेंस में। तो जैसा कि फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन सेंट टू ए कंप्यूटर इज़ फास्टर देन यूजिंग द, अब यहाँ पे एक्सप्रेसिव भी आ सकता है और एक्सप्रेस भी आ सकता है। कैसे कि इज़ फास्टर देन यूजिंग द एक्सप्रेसिव सिस्टम ऑफ, नहीं, एक्सप्रेस सिस्टम ऑफ एयरलाइंस और पोस्टल सर्विसेज। तो यहाँ पे एक्सप्रेस आ सकता है। और उसके बाद है कि एज एन डैश सच एज, आगे उन्होंने एक जो है आपको एक सेंटेंस दे दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा एन एक्सप्रेशन सच एज। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सप्रेशन आएगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं ना कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कमांड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सप्रेस्ड आएगा। अब लास्ट में आपने इस सेंटेंस को पढ़ना है, इसमें भी आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप जितना ज़्यादा पैसेज रीड करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो ही आपको जो है ऐसे वर्ड्स इजीली आपको पता चल जाएंगे कि कौन सा वर्ड किस जगह पे सूटेबल है। तो अब लास्ट वाले में एक्सप्रेस्ड आ जाएगा और उससे ऊपर जो सेकेंड था उसमें क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा और फर्स्ट में एक्सप्रेस आ जाएगा। इसी तरह नीचे जो है द सिंबल हैश मीन्स दैट टू थिंग्स आर नॉट इक्वल। अब इक्वलिटी भी नहीं आ सकता, इक्वली भी नहीं आ सकता, इक्वलाइज भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल आएगा। तो इस तरह आपने जो है इन वर्ड्स को देख लेना और इनकी जो है प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये जो है ये ग्रैंड क्विज या वैसे MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे उन्होंने आपको जो है सारे वर्ड्स के जो है ये नीचे सॉल्व करके बताए हुए हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। तो आपने जो है पहले खुद ट्राई करनी है, अगर आपसे नहीं होता तो आपने जो है यहाँ पे आंसर्स देख लेने हैं कि किसका आंसर जो है कौन सा वर्ड बन रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास का कंटेंट रिव्यू। इसमें आपको कॉलम्स दिए गए हैं और आपने इन कॉलम्स को मैच करना है। अब इनको कैसे आपने मैच करना है, आपने वो जो पैसेज ऊपर दिया गया उसको रीड करना है और उसके लिहाज से देखना है कि इंटरनल स्टोरेज क्या है, रियल स्टोरेज क्या है, रैंडम एक्सेस क्या है, एड्रेसेस क्या है, कंटेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपने उस पैसेज से रीड कर लेनी है। और उसके बाद फिर देख लेते हैं फोकस रिव्यू। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सारा वही डिस्कस किया कि हमने जो ऊपर ये चीज़ें जो है लर्न की हैं। तो आई होप कि जो है लेक्चर नंबर 18 आपका क्लियर हो गया होगा और इसमें आपको जो भी था डिस्कस किया गया सारा समझ आ गया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 19 हमारे पास कौन सा, स्कैनिंग एंड लैंग्वेज फंक्शंस। तो स्कैनिंग का मैंने पहले भी आपको बताया, अगेन बता देती हूँ। स्कैनिंग क्या होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, हम क्विकली पैसेज को रीड करते हैं और किस चीज़ पर फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम वैसे ही है, हम लोग पैसेज जो है इनको रीड करेंगे और उसको उसके लिहाज से फिर जो है एक्सरसाइजेज वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ अगेन आ गई है, पैसेज वैसे ही दिए गए हैं आपको और उसके बाद मेन आइडिया दिया गया और उन्होंने क्या पूछा है कि इसमें बताएं कि कौन सा जो है मेन आइडिया सही से इसको जो है इस पैसेज को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसके लिए अब आप उसको पैसेज को रीड कर लीजिएगा जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। और उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग पैसेज आ गया ट्रू फॉल्स, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेज रीड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे पैसेज इसलिए रीड नहीं कर रही क्योंकि अगर मैं पैसेज रीड करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी
और इस लेंथी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए इतनी आप लोग जो है इसको अप्रोप्रिएट नहीं समझते, जैसा कि व्यू की लेक्चर्स होते हैं और आप लोग जो है उसके बजाय जो है यहाँ पे यूट्यूब पे आके लेक्चर्स देखते हो, तो उसका फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा कि अगर मैं भी इतनी लेंथी वीडियो बना दूंगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है इस पैसेज को रीड करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं इनको सॉल्व कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर अब ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, तो ये अगर आपने पैसेज रीड किया हो तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और उसके बाद यहाँ पे अगेन वही वर्ड फॉर्मेशन आ गया है, उसके बाद कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस आ गया है, और नेक्स्ट हमारे पास के अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स में जो है वो क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सेम वही चीज़ अगेन रिपीट हो रही है जैसे सेम हमने पिछले लेक्चर में की थी। और वर्ड फॉर्म्स जो हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस कर लिया है, मैंने आपको अगेन क्लियर करवा दिए हैं, और वैसे भी हम पिछले लेक्चर्स में ये करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम वैसे ही रिपीट हो रही हैं जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया है। तो इस लेक्चर को आप लोग जो है वो खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये सेम 18 लेक्चर की तरह ही है। और अब नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास कौन सा है, लेक्चर नंबर 20 है। अब इसमें क्या है कि क्लासिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अब ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट वाला जो है इसमें से तो कंफर्म आपका जो है एक या दो एमसीक्यूज भी आते हैं, और अगर सब्जेक्टिव हो, इस दफ़ा तो नहीं हो रही लेकिन अगर सब्जेक्टिव हो तो उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट का जो है आपसे लाजमी ही पूछा जाता है, मोस्टली 5 नंबर का भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का भी आ जाता है, और एमसीक्यूज भी हैं जो एक या दो एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। तो इस लेक्चर को आपने ध्यान से समझना है और कॉज एंड इफेक्ट को लाजमी तौर पर जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना है। तो इसमें हम लर्न क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट क्लासिफिकेशन, इनके रिलेशनशिप और इनका जो है एक्सरसाइजेस वगैरह दी गई हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और उसके बाद हमें क्या है कि हमने उन स्टेप्स को रीड करना है, और उसके बाद जो यहाँ पे हमें एक्सरसाइजेज दी गई हैं उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कॉज एंड इफेक्ट का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। कॉज एंड इफेक्ट जो है इसमें कॉज का मतलब होता है कि वाई समथिंग हैपन, मतलब क्यों कुछ हुआ, कि अगर कुछ कुछ भी आपके साथ हो रहा है हम उस पर फोकस करते हैं कि ये क्यों हुआ, वाई हैपन। और जो है हमारे पास इफेक्ट, उसमें हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि व्हाट हैपन, मतलब अगर कुछ हुआ है तो उसके क्या हुआ है, अगर कुछ हो गया तो ठीक है उसके बाद क्या हुआ है, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि इफेक्ट ये है कि जो रिजल्ट है, और काज आप यूँ कह सकते हैं जैसे हम कुछ करते हैं तो उसके बाद हमें इफेक्ट मिलता है। तो कॉज जो है वो हमेशा जो है पहले आता है, सम टाइम बाद में भी आ जाता है सेंटेंस में, लेकिन जो है मोस्टली जो है ये पहले ही आता है। और इसके बाद आपने अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल से क्लियर करना हो तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो जो है 3 मिनट की वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से जो है एग्जाम्पल्स के साथ जो है कॉज और इफेक्ट जो है का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें क्या मेन आइडिया का बताया हुआ, सेम उसी तरह जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रही। और ट्रू फॉल्स का भी उन्होंने वैसे ही करवा दिया, यहाँ पे लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन का भी करवा दिया है, कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस जो है ये भी हो गया हमारा, और अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स इन्होंने एंटोनिम्स ये भी हो गए हैं, वर्ड फॉर्म्स ये भी हमने पहले कर लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास देख लेते हैं, नेक्स्ट हमने यहाँ पे तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे सेम वही रिव्यू वाला कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस और फोकस रिव्यू, इन चीज़ों पे फोकस करना है। अब यहाँ पे आ जाती है बात के कॉज एंड इफेक्ट की, मतलब इफेक्ट तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने इफेक्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट भी लिखा हुआ है, और नीचे क्लासिफिकेशन भी लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो है ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सेपरेट करना, मतलब क्लासिफाई करना, आप यूँ कह सकते हैं कि डिवाइड करना। और कॉज एंड इफेक्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज करें कि यहाँ पे हम कर लेते हैं कि आलिया फेल्ट हैंगरी देन ही ईट शी ईट मेल, तो अब यहाँ पे है कि आलिया को भूख लगी इसलिए उसने खाना खाया। तो अब यहाँ पे जो है हमने बात की कि आलिया को भूख लगी, अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास कॉज है मतलब कुछ हुआ है, और देन उसने खाना खाया मतलब देन उसने जो है खाना खाया, अब ये हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इफ़ेक्ट आ रहा है, मतलब उसको भूख लगी है इसलिए उसने खाना खाया। तो इफ़ेक्ट हमारे पास क्या है कि जो कुछ मतलब रिजल्ट आता है हमारे पास, कि जो कुछ होता है कुछ होने के बाद कुछ मतलब जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जैसे आपने मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक सी बताई है कि वाई हैपन व्हाट हैपन ये वाला कॉन्सेप्ट रखना है। अब व्हाट हैपन जो है इसमें क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है कि मतलब क्या हुआ, रिजल्ट जो उसका आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया था कि उसने खाना खाया, काज क्या था कि उसको भूख लगी मतलब कुछ हुआ, और इफेक्ट क्या था कि उसने खाना खाया। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि अगर आपने स्पेसिफिक वर्ड्स में जाना है तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपने इन वर्ड्स को यूज़ करना है, और इसी तरह अगर आपने स्पेसिफिक से जनरल में जाना है तो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास 21 है। इसमें क्या है कि प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली, कि इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ें हम लोग इस जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि फ्लो चार्टिंग, फ्लो चार्ट के थ्रू जो है हम जो है इन चीज़ों को आप शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्राफिकली का मतलब ये है कि आप फिगर्स बनाएं, आप ग्राफ्स बनाएं, आप फ्लो चार्ट ऐसी चीज़ें बना के इसको शो आउट करें, यहाँ पे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें। तो फ्लो चार्ट में हम लोग कैसे जो है इन चीज़ों को जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको जो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप उसको फ्लो चार्ट पे जो है रिप्रेजेंट कर दो। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी लेंथी जो आपको एक पैसेज दिया हुआ, और उसके बाद सेम वही अगेन आपसे पूछ रहे हैं कि मेन आइडिया बताएं, उसके बाद ट्रू फॉल्स आ गए हैं, पैसेज में से ही आपने इसको सॉल्व करना है, और वही बार बार चीज़ें लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस, तो यही चीज़ें जो है यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं फिर, क्योंकि इस लेक्चर में भी वही चीज़ें आ रही हैं। और अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये टॉपिक्स जो हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ हर लेक्चर में यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अब आप लोगों ने अब इसको लाजमी तौर पे क्लियर कर लेना है, ताकि अगर इसमें से कोई एक एमसीक्यूज भी आ जाता है तो आप बिल्कुल भी उसको इजीली सॉल्व कर सको। बिकॉज एटलीस्ट ये जो लास्ट हमारे 10 लेक्चर्स थे जो हमने किए हैं, इनमें तो एटलीस्ट 5-6 बार तो यही टॉपिक्स जो हैं बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपने इनको लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि इनकी तरफ से आपके कोई भी मार्क्स जो है वो कट ना हो, या कोई भी मार्क्स इनकी वजह से ना जाए। तो आपने जो है इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास कौन सा है, लेक्चर नंबर जो है वो 22 है। तो इस जो है मिड टर्म सिलेबस का जो लास्ट लेक्चर है, ये हमारे पास क्या है, द कंपाउंड कम्प्लेक्स राइटिंग सेंटेंस टाइप्स। अब सेंटेंस टाइप्स का मैंने आपको जो है वो दूसरी वीडियो में भी बता दिया था कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रैंड क्विज़ और मिड टर्म के हवाले से। तो सबसे पहले सेंटेंस टाइप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है एक अलग फाइल बना के रखी हुई है, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी एक अलग फाइल बना के रखी हुई है। तो देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली ये एक लैंग्वेज का एक यूनिट आप कह सकते हैं, जो एक कम्प्लीट थाट देता है, जिससे क्या एक्सप्रेस होता है, कम्प्लीट थाट एक्सप्रेस होती है। और ये जो है एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पे जो है कंसिस्ट होता है, मतलब इसमें अगर एक हम कहते हैं सेंटेंस क्या, उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा जिससे हमें कंप्लीट थॉट मिलेगी। और उसके बाद इसके टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक ही जो है इसमें क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये जो है क्या रखता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस लैपटॉप हैज़ ऑलरेडी क्रैश ट्वाइस, तो यहाँ पे जो है इसमें कोई दूसरा क्लास नहीं है, सिर्फ एक ही क्लास आ रहा है, मतलब एक ही इसमें आप कह सकते हैं सेंटेंस है, और इसमें कोई मतलब दो सेंटेंस का कम्बिनेशन नहीं है, दो क्लासेस का कम्बिनेशन नहीं है, और यहाँ पे एक ही सेंटेंस वो एक ही क्लास है और वो इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक क्लास होता है और इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद देख लेते हैं कंपाउंड जो है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं इसमें, और ये ज्वाइंड होते हैं किससे, लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू। अ कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय लिंकिंग वर्ड्स। इट मीन्स कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो दो इंडिपेंडेंट क्लास रखता है जो लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू ज्वाइन किए जाते हैं। अब लिंकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि एंड, बट और, देन, येट, ईटीसी, मतलब ऐसे वर्ड्स जो भी दो सेंटेंस या दो क्लासेस के दरमियान आते हैं, इनको क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट दो इंडिपेंडेंट क्लासेस से मिलकर बनता है, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दिस न्यू लैपटॉप हैज़ ऑलरेडी क्रैश ट्वाइस। अब ये वही सिंपल सेंटेंस हो गया एक, अब उसमें अरे एंड आई हैव नो आइडिया वाई, अब उसने बीच में दोनों जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, और कौन सा वर्ड यूज़ किया है, एंड का वर्ड यूज़ किया। कंपाउंड स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आप अपने माइंड में ये बात रख सकते हैं कि इसमें जो है लिंकिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं, दो क्लासेस के दरमियान लिंकिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एंड आ रहा है और दो लिंकिंग इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब ये आई हैव नो आइडिया ये एक अलग बन रहा है, और जो फर्स्ट वाला ये एक अलग बन रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है दोनों। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर एक सेंटेंस जो है एक क्लास जो है अगर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं या मतलब रीड करते हैं तो वो उसका हमें मतलब समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए ये नहीं है कि दूसरा क्लास भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम एक भी रीड कर लेते हैं तो हमारा जो है हमें उसका कॉन्सेप्ट जो है माइंड में आ जाएगा। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज़्यादा जो है डिपेंडेंट क्लास होते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसका जो है वो हमें उतना अपना मतलब बता देता है, उसमें हमें क्लियर हो जाता है, और जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है
वो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, मतलब उसका जो है मतलब क्लियर नहीं हो रहा होता अगर जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज जो पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको जो है पढ़े ना समझे ना। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि दिस न्यू लैपटॉप हैज़ क्रैश्ड ट्वाइस। अब यहाँ पे ये एक तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया विच आई बॉट यस्टरडे, अब ये दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, अब ये पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम जस्ट रीड करते हैं कि विच आई बॉट यस्टरडे तो हमें कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है कि क्या हमने ख़रीदा, हमने क्या कल ख़रीदा था, क्या बाय किया था, तो हमें नहीं पता चल रहा जब तक कि हम पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज रीड ना करें। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में कंपाउंड सेंटेंस में जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू ज्वाइन किए जाते हैं, और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो आई होप कि आपको जो है सेंटेंस टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस टाइप्स कौन से हैं और ये हैं कौन कौन से हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, गुड राइटिंग डिपेंड्स ऑन नॉलेज ऑफ थ्री थिंग्स। अब यहाँ पे उन्होंने थ्री थिंग्स दी गई हैं, ये आपने देख लेनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कितनी और कौन कौन सी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इफेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंबाइन किए जाते हैं तो क्या बनता है। फर्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब और एडजेक्टिव का कम्बिनेशन होता है, इसमें एक वर्ब होता है और एक एडजेक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पे था द रिटायर्ड हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज। अब रिटायर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आप कह सकते हैं कि वर्ब है, और इसके बाद ये किसके साथ है, एडजेक्टिव के साथ जो है कंबाइन कर रहा है कि उसने क्या प्राइजेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद सेकेंड है जरंड। जरंड में क्या होता है कि वर्ड और नाउन दो वर्ब और नाउन दोनों को कम्बिनेशन कंबाइन किया जाता है, कम्बिनेशन होता है इन दोनों का। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी, जैसे कि शी इज़ थिंकिंग ऑफ लिविंग हर जॉब। अब यहाँ पे ING आ रहा है, आपने एक बात और माइंड में रखनी है कि जहाँ पे भी जरंड आता है वहाँ पे जो है ING यूज़ किया जाता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी हो तो आप ING देख लिए करें, जहाँ पे भी ING आएगा वो क्या होगा, जरंड होगा, जहाँ पे वर्ब के साथ ING आएगा। तो यहाँ पे वर्ब और जो है नाउन का कम्बिनेशन है और वर्ब जो है उसके साथ ING आ रहा है, तो ये क्या है, जरंड है। और उसके बाद इन्फिनिटिव देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि वर्ब और नाउन का कम्बिनेशन अगेन होता है, इसमें भी सेम वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे साथ जो है आप कह सकते हैं कि एडवर्ब आप कह सकते हैं कि साथ यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे शी एडवाइजेज टू डिपॉजिट द मनी, अब वहाँ पे ING आता है, यहाँ पे ING नहीं आ रहा। जरंड में क्या होता है, ING आता है, और इन्फिनिटिव में ING नहीं आता, बल्कि प्रपोजिशन आप कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर एडवर्ब जो है वर्ड्स ऐसे ही साथ में कंबाइन करके दो वर्ड्स जो हैं लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ब और नाउन का कम्बिनेशन उन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एडवर्ब्स को और कंजंक्शन को जो है कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एडवर्ब और कम्बिनेशन का कंजंक्शन का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। इसमें जैसे कि यहाँ पे पहली एग्जांपल है आई वाज रिलीव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंडेड, तो अब यहाँ पे व्हेन उसने वर्ड यूज़ कर लिया, इसको अब दो सेंटेंसेस को उसने क्या कर दिया, कंजंक्शन के थ्रू जो है कंबाइन कर दिया। तो इसमें कंजंक्शन यूज़ होता है, आपने इसमें माइंड में रखना है कंजंक्शन और एडवर्ब जो है इन दोनों का यूज़ किया जाता है। तो रिलेटिव एडवर्ब ये चारों आपके क्लियर हो गए हैं, ये चारों भी इंपॉर्टेंट हैं, और सेंटेंस टाइप भी, ये चारों दोनों टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज में आ भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक जो है पॉइंट से दिए गए हैं कि द टूल्स ऑफ राइटिंग आर। अब यहाँ पे उन्होंने चार टूल्स दिए हैं, आपने ये टूल्स जो हैं यहाँ पे रीड कर लेने हैं, सॉरी यहाँ पे आई थिंक सो दो टूल्स दिए गए हैं, तो आपने ये जो है यहाँ पे रीड कर लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस टाइप्स दी गई हैं, सिंपल सेंटेंस जो है उसके बारे में दिया गया, ये भी आपने देख लेना है, मैंने इसलिए आपको पहले क्लियर करवा दिया था। आपने यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेनी है, उसके बाद बाकी भी जो है सेंटेंस टाइप्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो सारी आपने यहाँ से क्लियर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे वो सारी आपको एग्जांपल्स उसके एक्सरसाइजेस दी गई हैं सेंटेंस के सेंटेंस टाइप्स के लिहाज से, तो आपने वो सारा जो है अगर आपको वो समझ आ गया तो आपने यहाँ से जो है इसकी एक्सरसाइजेस जो है वो खुद सॉल्व कर लेनी है। तो अब तक हमारे जो है 22 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप कि मैंने जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को सबकी समझ भी आई होगी और काफ़ी हद तक आपकी हेल्प भी हुई होगी। प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक कि आपका मिड टर्म जो है या ग्रैंड क्विज हो रहा है ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और कैसा हुआ ये आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका ग्रैंड क्विज़ जो है वो कैसा हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।